लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने MBBS के लिए चाइना क्यों चूज किया। वेल, आपका जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर करने से पहले आपको एक चीज मैं पहले बताता हूँ। ये जितनी बिल्डिंग्स आप मेरे सराउंडिंग में देख रहे हैं, ये सारी की सारी 2018 में जब मैं आया था तो ये कुछ भी नहीं था। अब जब हम 2022 में दिसंबर में यहाँ पे आए थे तो ये सारी की सारी कम्युनिटी डेवलप कम्प्लीट हो चुकी थी। कैन यू इमेजिन कि कितनी जल्दी ये तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो मे बी आप इस चीज से कुछ सीख पाए होंगे। मैं अभी तो जा रहा था जिम, अभी आपके जो क्वेश्चन है उसके रेलिवेंट फिर मैं आता हूँ कि मैंने MBBS के लिए चाइना चूज क्यों किया। वेल, जब मैंने चाइना को MBBS के लिए चूज करना था तो उससे पहले मेरे भी जेन में बहुत सारे यू नो कंट्रीज थे। सबसे पहले तो मैं डी फार्मेसी के लिए USA जाना चाहता था, और फिर मैंने अपने भाई से बात की, वो मेरे कजन ब्रदर है, US में डॉक्टर है, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई मुझे ना डी फार्मेसी के लिए USA का यू नो कुछ पूछना है आपसे, तो उन्होंने मुझे बताया भाई बहुत महंगा है, इससे बेहतर है कि चाइना में आप MBBS करके उसके बाद प्लेब US में ली या NLE अपने कंट्री का एग्जाम निकालो, तो वो काफी एक तो अफोर्डेबल बन जाएगा और एक आप उस फील्ड में घुस जाओगे। वेल, ये तो था बिल्कुल बेसिक सा जो कि मुझे जिस तरह परस्यू किया गया MBBS चाइना के लिए। लेकिन मेरा अपना भी दिल था कि पहले यूक्रेन का था, यूक्रेन में, लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा जानने वाले या कोई दोस्त वगैरह यूक्रेन में नहीं थे, रशिया में भी नहीं थे, ओनली चाइना में कुछ दोस्त जानने वाले थे, तो उनसे मैंने पता किया कि हाँ भाई चाइना में किस तरह का सीन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे इंग्लिश में स्टडी करवाई जा रही है, रिस्पेक्ट काफी टीचर देते हैं, यहाँ पे चाइनीज में काफी रिस्पेक्ट होती है। तो ये सारी चीजें थी कि बीइंग अ पाकिस्तानी चाइना में रहना बहुत इजी था उनके लिए। तो जैसे उन्होंने मुझे चीजें बताई तो मेरा भी माइंड मेकअप होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो चीजें यहाँ पे आके मैंने देखी वो मे बी आपका माइंड चेंज कर दें, या मे बी आपके जेहन में वो चीजें इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं हो और आप अपने जो ओरिजिनल डिसीजन है उससे स्टिक रहें। ये इस साइड पे हमारी यूनि है बिल्कुल इन बिल्डिंग्स के पीछे, और इस साइड पे जिम है, और ये दरमियान में से रिवर जा रहा है। ये है तो कनाल की तरह, ये चाइनीज बच्चा हमारा वेट कर रहा है। लाए 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 लाए, हेलो, ने हाओ, या पाकिस्तान पाथिया पाथिया हंगियो यो बाय बाय। इस साइड पे यूनि है, इस साइड पे जिम है, दरमियान में रिवर है, जिसकी वजह से वो वहां से घूम फिर के यहाँ से गुजर के वहां पे जाना लिटरली 2 मिनट का रास्ता है जिम का, लेकिन चूंकि ये रिवर है और ब्रिज वहां पे नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत लंबा सफर काट के जाना पड़ता है। वेल, कोई बात नहीं, कार्डियो हो जाता है इतने में। ओके, सो उसके बाद एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जो लैंग्वेज है यहाँ पे वो चाइनीज है जो लोग बोलते हैं, लेकिन चूंकि हमें जो टीचर पढ़ाते हैं वो इंटरनेशनल भी होते हैं और चाइनीज भी होते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश दोनों की अच्छी होती है, चाहे वो इंटरनेशनल टीचर है चाहे वो चाइनीज टीचर है, तो जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश है। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में डिसेक्शन क्लासेस होती हैं, लैब क्लासेस होती हैं, एग्जैक्ट डीटो कॉपी हर चीज जैसे पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में होती है वो सेम यहाँ पे होती है। एंड बाकी चीजें जैसे कि लीडरशिप बोर्ड हो गया, जैसे कि कम्युनिटीज होगी, स्टूडेंट यूनियन होगी, ईच एंड एवरीथिंग जो कि पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में होती है, वो हर चीज आपको यहाँ पे इन मेडिकल कॉलेजेस में, खासतौर पर जिस यूनि में मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और उसके अलावा जो हॉस्पिटल की बात अगर मैं बोलूं तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड यहां से रोटेशन पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं अपनी जिम के पास पहुंच चुका हूं, ये झूले वगैरह बच्चों के लिए लगे हुए हैं, छोटे छोटे पार्क यहां पे बने हुए हैं, इसके बिल्कुल ही सामने जिम है, और वो आप अगर इस दरख्त के पीछे यहाँ पे एग्जैक्ट वो देखें तो वो यूनि है। लाइक लिटरली 2 मिनट का फासला है, लेकिन वो लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है यार, सिर्फ और सिर्फ रिवर की वजह से। उसके बाद अगर बात की जाए हॉस्पिटल की, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारे थर्ड ईयर ऑनवर्ड हॉस्पिटल यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, और 5 साल कंप्लीट करने के बाद हमारी यहाँ पे इंटर्नशिप होती है, और इंटर्नशिप पे पूरा साल आपने जाना होता है, उसमें आपको छुट्टियाँ भी नहीं होती। वेल, हाँ, कुछ हॉस्पिटल ऐसे लाजमी होते हैं जहाँ पे ये होता है कि इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो स्टूडेंट वहाँ पे फिर यू नो अपने एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं और रेगुलरली नहीं जा पाते, लेकिन वो स्टूडेंट का कसूर होता है, वो हॉस्पिटल का और मैनेजमेंट का बिल्कुल कसूर इसमें नहीं होता। और मुझे जो चाइना के बारे में जो यहाँ पे इंटर्नशिप बच्चे कर रहे हैं या जो मैं कर रहा हूँ, मुझे सबसे अच्छी चीज पता है यहाँ पे क्या लगी है, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे है ना मेडिकल में, वो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं अभी तक, वो
प्रोसीजर देखने को नहीं मिलते। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो मेडिकल के आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो आपको पता है कि सीनियरिटी जूनियरिटी और एक प्रेशर बनाए रखना एक स्टूडेंट के ऊपर, वो पाकिस्तान के कल्चर में, इंडिया के कल्चर में, हमारे बल्कि यूके यूएसए में भी ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा है। लेकिन बिलीव मी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कंसल्टेंट लेवल का भी प्रोफेसर या जो यहाँ पे सर्जन होते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशर बना के रख रहे हैं, आपको सिखाने को कुछ नहीं दे रहे। वो बल्कि चाइनीज अगर किसी को आती है और इंग्लिश नहीं आती तो वो कोशिश करता है ट्रांसलेट करके समझाने की, ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, ये मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, यू नो, वो प्रॉपर ट्राई करता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ समझ आ जाए। उसके अलावा यहाँ की जो एक अच्छी चीज़ वो ये है कि सपोर्टिव कम्युनिटी बड़ी होती है यहाँ पे। चाइनीज खासतौर पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिलीव मी, यू नो। फंगियो, पहला क्वेश्चन जब हम बाहर निकलते हैं ना, निशिर नेगवरन, वो पूछते हैं तुम कहाँ से, तो हमारा वही होता है वाशिरपाथिये या वाशिर पाकिस्तान रन, कि हम पाकिस्तानी हैं, तो वो उनका आगे से ये रिएक्शन होता है पाथिये, मतलब ऐसे हग करने वाला। तो बहुत ज़्यादा जो यहाँ की कम्युनिटी है ना वो बहुत प्यार करती है। हाँ, मैनेजमेंट जो है वो हर जगह की थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना होता है स्टूडेंट से, तो वो ऑब्वियसली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट ही होती है हर यूनिट की। एक चीज़, आप अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं या आपका कोई बहन भाई पाकिस्तान इंडिया में या जहाँ से आप हैं वहाँ पे, अगर आपका कोई मेडिकल में है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कितना प्रेशर बिल्ड करके रखते हैं अपने मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, स्पोर्ट और एक्सरसाइज पे खास तौर पे ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चे के यहाँ जो मेंटल स्टेट है वो ठीक रहे। जो इनके अपने स्टूडेंट होते हैं वो 6 मंथ ट्रेनिंग प्रॉपर आर्मी की करवाई जाती है, लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं तो हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। हाँ, एक्सरसाइज की क्लासेज होती हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए होता है कि चलो जो बच्चा इतना MBBS का हेक्टिक कोर्स पढ़ रहा है उसका मेंटल स्टेट एक जगह पे रहे और थोड़ा सा वो पीस में रह के कुछ अपनी स्टडीज़ को और अपनी वर्क या हेल्थ या ये जितने भी चीज़ें हैं इनको बैलेंस में रख सके। और पाकिस्तान इंडिया में स्पोर्ट इवेंट बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और इस तरह के नहीं होते। यहाँ पे हमारी यूनिट में कुछ दिन पहले स्पोर्ट इवेंट था, मैं कुछ ड्रोन शॉट्स भी आपको दिखा रहा हूँ साथ में, तो वो आप देखें कैसे ऑर्गेनाइज्ड और किस तरह वेल बैलेंस्ड ये यहाँ पे स्पोर्ट इवेंट होते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है और साथ में अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, मतलब कि वो हर चीज में एक स्टूडेंट को लीडर बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो यहाँ का करिकुलर सिस्टम है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन रहे हैं और आपको अपनी लाइफ बैलेंस करना ही नहीं आ रही, वो ये नहीं चाह रही यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है। उसके अलावा आप अगर देखें तो यहाँ पे बच्चे ने कुकिंग खुद करनी है, और उसके अलावा यहाँ पे अपनी लाइफ को बैलेंस बच्चे ने खुद करना है, यहाँ पे स्टूडेंट ने दोस्तों के साथ, यहाँ पे दूसरों के साथ खुद सारा कुछ यू नो डील करना है, टीचर के साथ खुद डील करना है, हर चीज में बंदे ने डील खुद करना है। इट्स मीन कि उसको अपनी जिंदगी गुजारने का, अपनी जिंदगी को कैसे लीड करना है उसको तरीका और उसको हुनर आ रहा है, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत और नहीं पड़ रही। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी यहाँ पे रहते रहते मिल जाती हैं, जैसे कि फाइनेंशियली भी बंदा स्टेबल हो सकता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए यू नो, पहले तो चलो मेरे ज़हन में चाइना के बारे में प्रोस्पेक्टिव जो जब मैं चूज किया तब बहुत कम था, लेकिन उसके बाद ओवर द टाइम ये सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर एक रिवील होती गई, जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो कि पाकिस्तान इंडिया में आपको वहाँ पे रहते हुए कभी भी नहीं मिल सकती। जब आप बाहर यहाँ पे आएंगे आप एक स्टूडेंट नहीं बल्कि आप लीडर बन के अपनी जिंदगी के, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बन के निकलेंगे। वेल, आज की वीडियो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। आप सिर्फ चाइना में एक एज अ स्टूडेंट आओगे, लेकिन जब आप जाओगे तो आप प्रॉपर लीडर बन के जाओगे, आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल की स्टडीज को और अपनी बाकी जो जिंदगी है उसको बैलेंस पे लेके चलेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों में बाकी स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में होंगे उनसे आगे होंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो जिंदगी को बैलेंस करना हो, या चाहे वो पैसे कमाना हो, या चाहे दूसरों की मदद करना हो, आप उसमें से ऑलरेडी उस लाइफ में से गुजर चुके होंगे जब आपने अपने पैरों पे खुद को खड़ा करना सिखाया होगा। सो दैट्स द डिफरेंस जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स से यू नो कंपैरिजन में आपके पास वो चीज़ें ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ज़्यादा किया होगा, आप अपने ओन पे बड़े होंगे, ये चीज़ डिफरेंस है। सो नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वेल, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।